हाय फ्रेंड्स, संधि प्रकरण के अंतर्गत बच्चों हम पढ़ चुके हैं अच संधि, जिसे स्वर संधि कहते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों हमने पढ़ा यण, आयादि, वृद्धि, गुण, दीर्घ, पूर्वरो, पररो तथा प्रकृति भाव संधि। हमने इनको स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ा। व्यंजन संधि के अंतर्गत हमने बच्चों व्यंजनों में संधि करनी सीखी तथा व्यंजन के परे स्वर होने पर संधि सीखी। आज हम सीख रहे हैं विसर्ग संधि। बच्चों, विसर्ग आप जानते ही हैं, पद के अंत में लगते हैं, जैसे राम है। इनके परे स्वर भी हो सकता है तथा व्यंजन भी हो सकता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। सबसे पहला सूत्र है बच्चों, विसर्जनीय से सह सूत्र पाणिनी की अष्टाध्यायी के आठवें अध्याय के तीसरे पाद का 34वां सूत्र है। बच्चों, वृत्ति इस प्रकार से है बच्चों, खरी विसर्जनीय से सह स्यात्, अर्थात विसर्ग के परे खर प्रत्याहार होने पर विसर्ग बराबर से आदेश हो जाते हैं। बच्चों, संधि कितनी आसान है, आप देखें। खरी सप्तमी विभक्ति, परे होने पर विसर्जनीय से विसर्ग के षष्ठी विभक्ति, सह प्रथमा विभक्ति, स्यात् क्रिया कर्ता के अनुसार सकार हो गए, अर्थात विसर्ग के परे खर प्रत्याहार होने पर विसर्ग बराबर सकार आदेश हो जाते हैं। हमारा समीकरण क्या बना बच्चों, विसर्ग जमा खर विसर्ग बराबर सकार आदेश। खर में कौन कौन आता है बच्चों, खर प्रत्याहार में आता है बच्चों प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा तीनों सकार। ठीक है, प्रत्येक वर्ग से क्या अभिप्राय है बच्चों, प्रत्येक वर्ग से अभिप्राय है कू चू टू तू पू। ये हमारे पांच वर्ग कहे गए हैं। खरी की अनुवृत्ति खर अवसान है और विसर्जनीय है, इस सूत्र से आई है। अब हम इसे उदाहरण से सिद्ध करते हैं। विष्णु धन त्राता, प्रस्तुत उदाहरण में विसर्ग के परे त्रा, त्रा में कौन है बच्चों, तय रे आ, अर्थात तय विद्यमान है। तय तवर्ग का क्या होता है, पहला वर्ण, अर्थात यह खर में परिगणित है। खर में परिगणित है तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा, विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होगा। संधि सिद्ध हुई विष्णु त्राता। एक बार फिर समझ लीजिए बच्चों, राम है धन तरति, प्रस्तुत उदाहरण में विसर्ग के परे तकार विद्यमान है जो कि खर में परिगणित है, अतः विसर्ग बराबर से आदेश हुआ। संधि सिद्ध हुई रामस तरति। ठीक है, एक बार फिर समझाती हूँ, राम है धन चलती, प्रस्तुत उदाहरण में विसर्ग के परे चकार विद्यमान है जो कि खर प्रत्याहार में है, अतः विसर्ग बराबर सकार आदेश हुए। स्थिति बनी रामस धन चलती। तभी बच्चों हमारा सूत्र आता है स्तोश्चूनश्चुः। यह व्यंजन संधि का सूत्र है जो कि हम पढ़ चुके हैं। सकार के परे चवर्ग या श होने पर सकार बराबर शकार आदेश हो जाता है। संधि सिद्ध हुई रामश चलति। तो बच्चों है ना आसान संधि, हमें पूर्व पूर्व के सूत्रों का ध्यान रखना है। इसी प्रकार स्टोनस्टोह का उदाहरण भी है, जैसे राम है धन टीकते, प्रस्तुत उदाहरण में विसर्ग के परे ट खर का विद्यमान है
अतः विसर्ग बराबर सह बने, स्थिति बनी रामस धन टीकते। अब बताओ बच्चों कौन सा सूत्र कार्य करेगा। अब हमारा सूत्र नंबर दो कार्य करेगा स्टोना स्टोहु। यह सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र कहता है सह तवर्ग के पहले या बाद में शह टवर्ग आने पर सह तवर्ग बराबर शह टवर्ग आदेश हो जाते हैं। तो हमारा ये सह को क्या आदेश हुआ बच्चों? शह आदेश हुआ, संधि सिद्ध हुई रामश टीकते। ठीक है ना, आसान विसर्ग संधि। अब बच्चों हमारा एक सूत्र आता है जो विसर्ग को विकल्प से विसर्ग ही रहने देता है। सूत्र है वा शरी। वा शरी सूत्र कहता है शरी विसर्गस्य विसर्गो वा स्यात्। विसर्ग के परे शर प्रत्याहार हो तो विसर्ग विकल्प से विसर्ग ही रहते हैं। ठीक है बच्चों, शर प्रत्याहार में बच्चों श श स ये तीनों आते हैं, तीनों सकार आते हैं। तो यहाँ हमारा विकल्प है जैसे हरि धन शेते, प्रस्तुत उदाहरण में विसर्ग के परे शकार विद्यमान है, अतः वा शरी सूत्र ने कार्य किया तथा विसर्ग बराबर विसर्ग ही रहे, संधि सिद्ध हुई हरि शेते। तो ये तो हमारा बच्चों विकल्प है। हम विसर्जनीय से सह सूत्र का प्रयोग करते हैं तो संधि इस प्रकार बनेगी जैसे हरि धन शेते। प्रस्तुत उदाहरण में विसर्ग के परे शय खर प्रत्याहार का है, अतः विसर्ग बराबर से आदेश हुआ, स्थिति बनी हरिस धन शेते। परंतु तभी स्तोहो चूना चुहु यह सूत्र कार्य करता है तथा सकार के परे शकार होने पर सकार बराबर शकार आदेश हो जाता है, संधि सिद्ध हुई हरिश शेते। एक बार फिर समझा देती हूँ बच्चों। विष्णु धन त्राता, प्रस्तुते उदाहरणे विसर्गस्य परे खर प्रत्याहारस्य तकारो अस्ति, अतएव विसर्गस्य स्थाने सकारो भवति, संधि सिद्ध्यति विष्णुस्त्राता। इत्थमेव हरि धन शेते इति अत्र विसर्गस्य परे खर प्रत्याहारो अस्ति, अतएव विसर्गस्य स्थाने सकारो भवति, स्थितिर भवति हरिस धन शेते। परंतु तदैव स्तोहश्चूनश्चुः इति एतत् सूत्रम् अत्र कार्यं करोति। अत्र सकारस्य परे शकारो अस्ति, अतः एव सकार है शकारो भवति, संदेहि सिद्ध्यति हरिश शेते। बच्चों यदि वयम् वा शरी सूत्रेण कार्यं कुर्मः तर्हि विकल्पे विसर्ग है एव भवति, यथा हरि धन शेते इति अत्र विसर्गस्य परे शय शर प्रत्याहारस्य वर्तते, अतः अत्र वा शरी सूत्रं कार्यं करोति, विसर्ग है एव भवति, संदेहि सिद्ध्यति हरि शेते। तो बच्चों आज हमने दो सूत्रों को पढ़ने का प्रयास किया है, विसर्जनीय से सह तथा वा शरी। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसे आगे के सूत्र पढ़ेंगे। थैंक यू।